परवेशी का स्क्रीन शो करो। और लास्ट कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे, कुछ वर्क करने के लिए दिया था, ठीक है दिखाओगे क्या वर्क किया? कौन सा वर्क करने को दिया था? मैंने तो कोई वर्क ऐसा किया ही नहीं, बस वही टूल यूज करे थे बस। चलो यूज ही दिखा दो कैसे यूज किया था, मैं वही देख के खुश हो जाऊंगा। फाइली डिलीट कर देखी वो, बस यूज करते हुए दिख रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं करा है। बहुत बढ़िया, चलो एक काम लेकिन अगर ठीक है आज मैं कर दूंगी, अगर ऐसे कोई एक असाइनमेंट करना है ना। वो तो मैं सैटरडे को दूंगा असाइनमेंट का, हाँ असाइनमेंट ही दूंगा मैं आपसे। ठीक है ठीक। हाँ चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आगे के हाँ टूल पढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पेन टूल, राइट? हाँ पेन टूल। हाँ नवनीत यस सर। पेंसिल पढ़ा था, पेन भी पढ़ते हैं। ठीक है सर। बड़े नॉइस बैकग्राउंड में हो नवनीत, क्या बात है? क्या सर? तुमने हेडफोन्स ज्वाइन करा, किसे ज्वाइन किए? नहीं सर, हेडफोन नहीं, स्पीकर पे। स्पीकर पे बैकग्राउंड की आवाज बहुत आ रही है तुम्हारी, टक 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 टक। सर फैन चल रहा है। ओके चलो स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ सर हो गई। नोटपैड किस लिए ओपन है ये? ओके फोटोशॉप। कितना प्यारा इंटरफेस लगता है ना देखने में, भूत बना दिया है यहाँ पे भी। जल पर अच्छी लग रही थी पहले, देख रहे हो मेरे फोटोशॉप की जान? मैंने से ऑफ कर दिया तो भी सारा रिकवरी ले लिया इसने, ये तो बेनिफिट है। ओके गाइस आज हम पढ़ेंगे पेन टूल। तो पेन टूल बेसिकली किसी भी आर्टबोर्ड पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज नवनीत बताएगा सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ क्या होता है। हाँ सर। सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ क्या होता है? चलो छोड़ो सोशल मीडिया छोड़ो, विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है? सेवेंटी। 70, बहुत बढ़िया। और हाइट? नहीं पता सर। ऐसे बनोगे, ऐसे बनोगे हीरो? अरे सर भूल गए। हाँ विजिटिंग कार्ड मैं तो सबसे छोटा ले लेती हूँ, 3.5 by 2 लेती हूँ मैं तो विजिटिंग कार्ड। 3.5 by 2, दिस इज स्टैंडर्ड साइज, राइट? पिक्सल्स? हाँ पिक्सल्स में लेती हूँ, है ना? कैसे हीरो बनोगे इस साइज पे वर्क करोगे, दिख भी रहा है आर्टबोर्ड? डू यू नो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ग्राफिक, बोल गए परवेशिका? क्या पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना ग्राफिक में, तो आप 3 पिक्सल पे वर्क कैसे कर सकते हो मुझे नहीं, बता सकते? सॉरी 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 सॉरी, नहीं मैं सेंटीमीटर्स पे वर्क करूंगी अगर। नाइस, बहुत नाइस, ऐसे स्टूडेंट बनो के इंचेस में वर्क होगा। लेकिन पहले ये तो इंचेस में होगा, अगर मैं सेंटीमीटर में यूज करती हूँ तो फिर मैं 8.5 कुछ या करके इनमें लेती हूँ ऐसे। 5.3 छोड़ दो, सब मोह माया है, हमें पढ़ना है पिक्सल जब भी यूज करेंगे सब डिजिटल के लिए करेंगे, और जब हाँ। भी इंचीज सेंटीमीटर जो भी मेजरमेंट यूनिट्स होती है सारा प्रिंटिंग के लिए करेंगे। तो हाँ। यहाँ पे मेजरमेंट इंचीज है, राइट? हाँ। डिजिटल डिजिटल मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं तो लिख देते हैं आगे विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। 3.5 नवनीत नोट करने की बात है, 3.5 × 2, राइट? रेजोल्यूशन क्या होगा पर तुम मत बताना नवनीत, रेजोल्यूशन कितना होगा? हाँ हाँ कॉपी पन्ने पीछे करो फिर देखना कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं सर। अब पहली क्लास खोल लो है परवेशी का, अब आगे निकल जाओ इनसे। 300 PPI लूंगी मैं तो रेजोल्यूशन, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जाएगा ना, राइट? तो 72 72। कैसे 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 कौन बोल रहा है, फिर से शक्ल दिखाओ कहाँ है वो। हाँ नवनीत प्रिंटिंग मीडिया सर। हाँ प्रिंटिंग के लिए करना है ना, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके दोगे ना किसी को, या सीधा कहोगे भैया फोन पे भेज रहा हूँ फोन पे देख लियो? सर 300 300, क्योंकि क्वालिटी वर्क करना है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। दूसरा है क्या, पिक्सल पर इंच, देन कलर मोड RGB लेंगे ना? RGB जी नहीं, एम वाई के लेंगे, प्रिंटिंग करनी है हमें। नवनीत तो बेइज्जती करा रहे हो यार। यस सर यस सर यस सर।
अभिषेक आगे निकल रही है नवनीत, हमारी टीम है ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट क्या लेंगे? वाइट कहो, ब्लैक भी ले सकते, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप डिपेंड अकॉर्डिंग टू डिजाइनर यूजर। राइट, क्रिएट करते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। राइट सर, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ, याद कर लेना, कंट्रोल एन कर रहा हूँ ठीक है, हाइज अ प्रिंटिंग में जा रहा हूँ और दिस इज अ ए फोर साइज राइट, इन चीज में कर देता हूँ 8.3 11.7 राइट। किससे पूछ रहा हूँ मैं, ये नवनीत? हाँ सर। हाँ देख रहे हो ना अमृत क्या होती है, 8.26 11.69। अरे नवनीत था ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर ठीक। ओके तो ए फोर साइज हम लेते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक है, पेपर है ये ए फोर साइज का, और हियर इज अ विजिटिंग कार्ड राइट। नाउ प्रिंटिंग जब भी वर्क करेंगे तो हम मार्जिन को याद रखेंगे, मार्जिन कैसे देते हैं लिख लो। विंडोज में जाओगे? पक्का विंडोज में जाओगे? हेलो हाँ, विंडोज में जाके मार्जिन लेना है, रूल लेना है, रूलर कंट्रोल आर करके भी आ जाएगा, कंट्रोल आर ऑलरेडी हो रखा है, देन मुझे मार्जिन सेट करना है। नहीं कर रखा है आपने कंट्रोल आर, एक मिनट को। हाँ तो फिर आप नहीं, वहां से आप कोने से स्क्रॉल करोगे जहाँ पे आपका आर्ट बोर्ड है, मतलब लाइक लेयर है, वहां पे आप सेट कर दोगे और फिर उसके बाद आप प्रॉपर एक एक स्टॉक तो आउटर लेयर में लोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में आके आपको जितना भी मार्जिन क्रिएट करना है वहाँ पे से भी कर सकते हो। दिस इज अ ओल्ड वे, बहुत पुराना तरीका है, नया तरीका बताओ। नया तरीका आप कह रहे हो ऐसे ना, एक ऐसे क्रिएट कर लेंगे हाँ जो कि प्रॉपर ए फोर साइज का होगा। हाँ कंट्रोल टी करके सेट कर देंगे नीचे तक। ठीक है, अब इसको स्ट्रोक दे देंगे, इनर स्ट्रोक होगा ही, पिक्सल की जगह यहाँ पे कर देंगे 0.5 आईएन। वैसे मार्जिन ऑप्शन भी ले सकते हैं ना हम तो, मैं वही लेआउट में कहाँ से कैसे गाइड के थ्रू करते हैं शायद, सेलेक्ट करते हैं मार्जिन में, कहाँ न्यू गाइड लेयर लेआउट का बॉक्स आता है ना डायलॉग बॉक्स, कॉलम और रोज पे आता है कितना मार्जिन चाहिए हमें। बताओ यार, बहुत अच्छा बता रहे लेकिन भूल गई थी जल्दी। नहीं मेरे को वो पतले वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे व्यू में होता है। हाँ सॉरी व्यू में। राइट यहाँ पे जाओगे तो गाइड में आएगा, हियर इज अ न्यू गाइड लेआउट, न्यू गाइड लेआउट। हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ गाइड लेआउट का पैनल खुल जाएगा बेसिकली। हाँ। इसमें कुछ प्रीसेट्स भी होंगे गिवन राइट, 8 कॉलम्स वगैरह वगैरह, ये पता किस लिए, न्यूज़पेपर जानते हो कॉलम्स होते हैं, इसे कॉलम्स डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें प्रीसेट्स के साथ नहीं जाना, हमें अपना बनाना, कॉलम्स को बंद करेंगे। हियर इज अ मार्जिन, मार्जिन दिख रहा है नवनीत, इनेबल करेंगे और लिख लो, गार्ड बांध लो प्रिंटिंग में, अगर ए फोर साइज का पेपर है तो 0.5 इंचेस राइट, 0.5 इंच नाउ जैसे क्या लिखना है परवेशी का बताएगी, टीचर है परवेशी का भी, क्या मैं टीचर नहीं हूँ? बना बनने का अवसर मिल रहा है? नहीं 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 अरे आप ही सही हो। नहीं, नहीं। अरे वो मार्जिन दे रहे हैं like, एक लेआउट पे ऑटो, मतलब मैं तो बहुत पुराना वे यूज करती थी पर लेकिन ये बहुत अच्छा वे है, ये स्मार्ट वे है और लेटेस्ट। हाँ। और यही चलता है मार्जिन में। हाँ, यही चलता है। कोरल ड्रॉ वाला आप तरीका बता रहे थे जो। हाँ मैं कोरल ड्रॉ वाला, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग वाला ना कोरल ड्रॉ में ही पढ़ा था। अच्छा, उससे पहले कुछ पढ़ा प्रिंटिंग नहीं पढ़ा था, लेकिन प्रिंट इतना प्रिंटिंग लोग कहते हैं कि प्रिंटिंग वाले ज्यादातर कोरल यूज करते हैं। सही बात। नाउ नोटबुक देखी किसी ने? देखी है, पढ़ी तो नहीं है, पढ़ते पढ़ाई तो करनी नहीं होती, बस देख ही लेते। नहीं ना ना हाय करो जना फार्म का ना हाली 3 बजे फनी आई तो नहीं डांट खा रहे हो। हाँ चलो
दिस इज नोटबुक, कोई अच्छी सी नोटबुक तो आई है यार, पेज सर्च कर लेता हूँ. नाउ अब आया ना सी. नवनीत सुन रहे हो? हाँ सर. ओके एक ये नोटबुक दिख रहा है आपको, पेज दिख रहा है? हाँ. यहाँ पे एक लाइन लिखी, लाइन लगी रहा है यहाँ पे? यस सर. इधर भी लगी रहा है? बेसिकली कर क्या रही है ये हमें बता दे, इसके बाहर लिखना नहीं है राइट. जब यहाँ पे राइट करोगे इसके अंदर और इसके अंदर करोगे, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर राइट करोगे राइट. यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते. क्यों? ये हमने बताया कि एक मार्जिन एरिया है, एक नॉट वर्किंग एरिया है, लाइक जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे हम कुछ वर्क नहीं कर सकते ना ब्लैक एरिया में. यस सर. ऐसे ये भी है, इसमें वर्क करना ही नहीं है क्योंकि जब प्रिंट होता है ना तो मशीन आपकी ऊपर नीचे हो सकती है. मतलब जब प्रिंटिंग मशीन होती है वो अगर मान लो कि ऊपर नीचे हो जाए, मतलब थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो जाए तो अब प्रिंट आपका खराब हो जाएगा. उसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन देते हैं, जिससे अगर मान लो प्रिंट इतना भी खराब होगा तो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा और ये कट जाएगा. ठीक है. यस सर. दूसरा इशू क्या है, प्रिंट में लगते हैं रोलर जिससे पेपर को इंसर्ट किया जाता है. जब प्रिंटर चलता है तो पेपर खींचता है ना वो अपने अपने आप से, तो उसके रोलर होते हैं कोने कॉर्नर्स पे. फिर yes, वहाँ पे भी प्रिंट नहीं होगा, जहाँ पे रोलर चलेंगे वहाँ प्रिंट तो ना होगा. ओके परवेशिका क्लियर है? व्हाई वी यूज मार्जिन फॉर प्रिंटिंग मीडिया? हाँ ऑफ कोर्स. क्या होता है, ब्लीडिंग होती है प्रिंटिंग पे, तो फिर तो हम हमेशा ही अनदर थिंग, एक अलग चीज है ब्लीडिंग में बता देता हूँ. ब्लीडिंग भी यही कॉन्सेप्ट है मार्जिन का. ब्लीडिंग क्या होता है, ओवर प्रिंट करते हैं हम, जैसे ये A4 पेपर है हम इससे एक्स्ट्रा बाहर लेंगे राइट. मैं ब्लीड का कॉन्सेप्ट इन डिजाइन बताऊंगा या जो हमारी कोरल क्लास होगी उसमें बताऊंगा ब्लीड का ऑप्शन क्यों लेते हैं. बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम कट फ्लैश चीजें बनाते हैं. कट फ्लैश जानते हो प्रवेशी का? जो प्रिंटिंग में यूज होती है कट फ्लैश थिंग्स. हाँ ठीक है, प्रिंटिंग में यूज होती है. मैं आगे क्लास में बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. अभी इतना रखो कि जब भी A4 साइज का वर्क करोगे प्रिंटिंग के लिए तो हाफ इंच ऑफ मार्जिन ऑफकोर्स ले लेना है. ठीक है, क्योंकि वो हम नेगेटिव स्पेस रखते हैं ना लाइक हम मार्जिन पे, ताकि वो घिचल वो ना लगे हमारा जो डिजाइन. नहीं 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 उसका कॉन्सेप्ट है ही, जैसे कि हम कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं वहाँ पे हम मार्जिन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम मार्जिन रखते हैं, स्पेस रखते हैं, एक क्योंकि ब्लैंक स्पेस रखते हैं. फोकस होता है, स्पेस गिव एलिमेंट्स, नेचुरली एलिमेंट्स को एक पावर देता है. हाँ राइट, तो हमें स्पेस देना है, कोई दिक्कत नहीं. मैं कभी भी बिल्कुल साथ साथ नहीं लिखना, हमें लाला डिजाइनर नहीं बनना जो कि बस हर जगह लिख देता है, जहाँ जगह मिले वहीं बस शुरू हो जाता है. तो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी स्पेस का इंपॉर्टेंस क्या है. स्पेस का इंपॉर्टेंस कहीं अलग मोटोस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल को प्रोटेक्ट करने के मोटोस है राइट. तो हमारे पास कुछ ऐसा रूलर आ जाता है, अगर इसको चेंज करना है तो विंडो में जाना. कहीं कहते हैं मुझे सियान कलर अच्छा नहीं लगना, तो एडिट में जाना, प्रेफरेंस में जाना, परफॉर्मेंस में जाना, यहाँ पे आएगा रूलर एंड सेगमेंट्स आएंगे देखना, यहाँ पे आएगा कहाँ गया, सोचने दो मुझे, ढूंढने दो. दिस इज गाइड एंड ग्रिड राइट, सियानो कर देना, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू अच्छा नहीं लगता, रेड कर दे, रेड कर देते. नाउ अब गाइड्स लोगे यहाँ पे, विंडो व्यू में जाना, गाइड में जाना, फिर क्या लेना है प्रतीक्षा? है मेरा मार्जिन. नाउ रेड हो गया. ओके कोई डाउट है? तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको पता लगेगा कि प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए विजिटिंग कार्ड बनाए तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स मार्जिन लेना पड़ेगा राइट. यहाँ पे मार्जिन क्या लेंगे, यहाँ क्या 1.5 इंच लेंगे? हाँ है ना परवेशिका, 1.5 इंच लूँ मार्जिन यहाँ पे? नहीं 0.5. 0.5 नवनीत 1.5 मार्जिन लेंगे 0.5? 0.5 दोनों बेवकूफ हो, सुन लो 0.5 लुक एट दिस, अंदर आ जाएगा. लुक एट दिस 0.5 इंच राइट, 0.5 इंच, 0.5 हाँ नहीं नहीं 1.5 इंच, 0.5 इंच. ठीक है ऐसे मार्जिन बनेगा. अब परवेशिका ने और फंस गई, 1.5 तो वो तो और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा. तो मेरे स्टूडेंट थोड़ा सोचो यार,
इंचीज में लेंगे क्योंकि जो इजी टू काउंट क्या रहेगा इंचीज, राइट। प्रिंटिंग की चीज है, आप पिक्सल में नहीं, माइक्रोस्कोप में लगा के नहीं पिक्सल गिनोगे, राइट। आप क्या करोगे, इंची टेबल होगे, सीधा गिन लोगे कितने इंचीज है, राइट। मशीन होगी वो इंचीज पे डिपेंड करते कि जो छोटा पेपर है वहां पे कम हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, बड़ी चीज है तो पिक्सल ज्यादा होंगे, सेम एज वेल एज बड़ी चीज है यहाँ पे तो मार्जिन ज्यादा होगा, छोटी छोटी चीज है तो मार्जिन कम होगा। जैसे आप जानते हो विजिटिंग कार्ड छोटा है एज कम्पेयर टू A4 साइज शीट, तो यहाँ पे जो मार्जिन 0.2 ले लो या 1.2 काफी है, ठीक है, 0.15, राइट, 0.15 बहुत है। हाँ। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, मैं तो करना चाहता था इसीलिए। नहीं 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 समझ, ठीक है नवनीत, और 0.5 बोल लेते ना बहुत प्यार से। यस सर। तो मत बोलो 0.5, अगर मैं इतना मार्जिन ले लूंगा तो डिजाइन क्या करूंगा, क्या मैं किसी को खाली पेपर पकड़ाऊंगा? नहीं, राइट, दिस इज अ मार्जिन कॉन्सेप्ट। अब आपका वर्क स्पेस रेडी है, राइट, वर्किंग के लिए, तो अब एलिमेंट्स देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, आइडियाज लगाते हैं और डिजाइन स्टार्ट करते हैं, राइट, सही। चलो बेसिकली इसमें आपका पेन टूल भी कवर होगा, इसीलिए मैंने ये डिजाइन स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको रियल यूज नहीं पता लगेगा पेन टूल का, राइट। एक विजिटिंग कार्ड ले लेते हैं। हाँ। डिजाइनर हो आइडिया हमेशा लोगे, ठीक है, रेफरेंस हमेशा लोगे, डिजाइन नेक्स्ट स्टेप होता है लेकिन रेफरेंस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब जैसे कि कोई ऐसा शेप लेंगे, दिस इज राइट, या कौन सा विजिटिंग कार्ड पसंद आ रहा है नवनीत? हाँ सर। कौन सा विजिटिंग कार्ड पसंद आ रहा है? सब अच्छे हैं, कोई भी ले सब अच्छे। चलो छोड़ तुम्हें, अब परवेशिका ही बता, परवेशिका ही बताएगी। ये भी सही है पर लेकिन ये रेड वाले में जो ऐसे शेडो आ रही है ना, ये मुझे सीखना है थोड़ा, मतलब ये है तो आपने बोला था कि हम उससे सीखेंगे ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट है इसमें लेकिन एक, हाँ एक ना, एक मैं एक देख रही थी एक पोस्टर में, एक ऐसा जैसे एक इल्यूजन सी लाइट नहीं होती है, जस्ट लाइक दिस। हाँ ये तो फिर ये तो है, ये तो बन ही जाता है, खैर 3D। हाँ देखो कार्ड्स भी आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल कार्ड होता है, एक 2D 3D कार्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। ये एक 3D फील, नहीं 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 नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो ये 3D फील है, ठीक है, ये वाला 3D फील है और दिस इज 3D फील। इसमें मैं क्या लगता है, जो कार्ड है स्ट्रेट ही है बट लगता है कि बेंट हो रखा है अंदर से, लेकिन वो डिजाइन से, डिजाइन है वो, इट्स अ प्लेन सरफेस, राइट। तो ये 3D कार्ड होते हैं, पहले 2D बनाते हैं जिससे हमारे नवनीत भी सीख पाए और आप भी सीख पाओ, राइट। तो सबसे सिंपल चलेगा, हाँ, कुछ ऐसे डिजाइन उठा लेता हूँ, रुको कोई ना कोई तो मिल जाएगा। इतना ही प्लेन नहीं लेना या चलो कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाएंगे। जब भी रेफरेंस लेना होता तो सेम इमेज करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करके हमारा काम चल सकता है क्योंकि हमें अपना नया बनाना है, राइट। नाउ कॉपी तो हम अच्छी करते हैं, देख रहे हो, कॉपी कैट तो हमें कह सकते हैं, ठीक है, नहीं हर डिज़ाइनर कॉपी करता है, ऐसा नहीं कि हर कोई डिज़ाइनर बनाने लग जाता है, डिज़ाइनर आइडियाज लेता है देन उस पर अपने क्रिएटिविटी लेवल्स का अप्लाई करता है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स उसे सेट करता है, राइट। जैसे कि हमने ये लिया, बेसिकली मुझे पेन टूल सिखाना था, पेन टूल, अब आते हैं देखो पेन टूल में सबसे पहला था पेन टूल, शॉर्ट की क्या होती है, पी, राइट, कुछ इस तरीके के दिखता है नवनीत, देख लो, देख के जरा, देख लिया नवनीत, बोल दो यार, नवनीत है नहीं क्या क्लास में? हाँ सर। हाँ तो मैं बोलूंगा, हाँ देख लिया, क्लियर है, नेक्स्ट चले। ओके नाउ बेसिकली पेन टूल फ्री हैंडेड होता है, राइट, बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है लेकिन इसका पर्पस बदल चुका है, शेप के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके अब हमें ना नवनी ध्यान देखना, हमें इस शेप की कॉपी, हमें इस शेप की तरह बनाना है, ठीक है, तो क्या ये सर्कल से बन सकता है, क्या मैं ऐसा शेप या ऐसा शेप सर्कल से बना सकता हूँ? सर नहीं नहीं बन सकता है, क्या मैं रेक्टेंगल से बना सकता हूँ?
रेक्टेंगल से नहीं, क्या मैं स्क्वायर से बना सकता हूँ या जो भी किसी शेप से बना सकता हूँ? क्यों सर्कल से क्यों नहीं बना सकते आप इसको? आप बताओ कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं सर्कल से, एडजस्ट करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा। देखो सर्कल्स में आपके सिर्फ चार नोड्स होते हैं, राइट? अब इस चार नोड्स को एडजस्ट करने में ऐसी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? नहीं 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 नहीं, जैसे दो सर्कल को लेके फिर पाथफाइंडर से वो कर, उसको इंटरैक्ट कर दो, राइट? दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, राइट? जो आप कह रहे हो वही चीज है, ये भी है, ठीक है? देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैल्यूज को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, फिर क्या करूंगा दूसरा सर्कल बनाऊंगा उसको इंटरसेक्ट करूंगा, तो फिर सीधे पेन टूल से बनाना है इसे। पेन टूल से बनाओ, इतना सोचना क्या है? हाँ। तो नवनीत कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कभी मेहनत ज्यादा करने पड़े तो पीछे नहीं भागने का, पेन टूल उठाने का, ठीक है? तो पेन टूल कुछ इस ऐसे चलता है, एक क्लिक करते हैं फर्स्ट नोड के लिए, पेन टूल बेसिकली आपका पाथ पे चलता है, ठीक है? एक क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का डॉट आ जाएगा, नाउ कुछ ऐसे देखो, जैसे कि ये कर्व है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक, यहाँ से पूरा एक ही आ जाएगा, ठीक है? एक कर्व बनाया, ठीक है, मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, देख पा रहे हो नवनीत? क्लिक करता हूँ तो देखो एक बड़ा सा हैंडल बन के आ जाता है यहाँ पे। अब इस हैंडल का फायदा क्या है, मैं चाहूँ तो इस हैंडल को मूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? नाउ अब मुझे पता है कि इसे बैक जाना है मुझे, अगर मैं अब मुझे इधर आना है, राइट, इस शेप को बनाने के लिए, तो मैं अगर इधर आता हूँ, देखो क्या होता है, ये कर्व डिजाइन ले लेते हैं यहाँ से, राउंड हो जाता है, राउंड देख पा रहे हो, यहाँ राउंड हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑल्ट से इसका नोड तोड़ दूंगा, राइट? देखो पहले क्या था, कंटिन्यूस लाइन थी एक बड़ी सी आगे तक जा रही थी, हैंडल, दिस इज हैंडल, राइट? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसका ये नोड ही, जो नोड था इसे नोड कहते हैं, जो ये आपको एक डॉट डॉट दिख रहा है इसे नोड कहते हैं, ठीक है? मैं ओल्ड पे होल्ड करूंगा, देन माउस को लेके आऊंगा तो कुछ ऐसा आपका पेंटूल बन जाएगा। नाउ सिंगल क्लिक कर दोगे तो इसका आगे का हैंडल खत्म हो जाएगा, राइट? उसके बाद क्या करना है, पेंटूल से फिर नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये नवनीत, कुछ ऐसा ही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर हो जाएगा। यस सर। और एक चीज़ बताऊं, कभी भी अगर मान लो कि जैसे कि मैंने पॉइंट गलत साइड लगा दिया, तो मैं चाहूं तो शिफ्ट भी कर सकता हूं, देख पा रहे हो? हाँ हाँ। कैसे? लाइक उसको क्या कहते हैं, ऑल्ट का या फिर कंट्रोल का इसका बटन दबा के ही आप इधर उधर ला सकते हो? नहीं, ये स्पेस स्पेस हाँ, स्पेस को मैंने होल्ड कर रखा है, हाँ स्पेस का, देन ये आ रहा है। हाँ। तो नवनीत सही बताऊं, ये टूल ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर मैं जितना भी दिखा दूं ना आपको तरीका समझ जाएगा, इस रिक्वायर प्रैक्टिस, राइट? इसे आप परवेश से पूछ सकते हो, बहुत प्रैक्टिस करती है जो मैं बिल्कुल नहीं करती हूं बात तो सही है। नाउ उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू करके जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे जाके मैं इसे खत्म कर देता हूं, ठीक है? कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है? नाउ ध्यान देखना, मैंने ऊपर पाथ सेलेक्ट कर रखा था तो कुछ पाथ जैसा बना, लेकिन मैं यहाँ पे अगर शेप सेलेक्ट करता तो एक पर्टिकुलर शेप बन जाता। अभी देखो क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है फॉर सिलेक्शन, कंट्रोल एंटर करना, अभी दिख रहा है एक सिलेक्शन बन गया, यस सर, राइट? उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एक सॉलिड कलर अप्लाई कर दूंगा, दिस इज माई वे, एक मेरा तरीका है, मैं ऐसे काम करता हूँ कि सॉलिड कलर अप्लाई करता हूँ, इससे क्या होता है मैं इजीली उसे मैनेज कर सकता हूँ आगे के लिए, राइट? लेकिन आप चाहो तो सीधा ही कलर पिकर से आई, दिस इज कलर पिकर टूल आई, राइट? जैसे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पिक कर लेता है, दिख रहा है आपको? उसके बाद मैं चाहूँ तो
और प्लस बैक स्पेस से भी कलर फिल कर सकता हूँ न्यू लेयर पे कॉपी बना के। नाउ देखो अवनीत शेप बन गई। अवनीत वो अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया क्या लग तो रहा है, एक कम है यहाँ पे। हाँ देखो आ गया नवनीत। नवनीत दिख रहा है शेप बन गया। यस सर। ओके तो पेंटूल का ऐसा ही है। अब देखो मैंने पास से अब शेप कर दिया तो अब मैं जब भी कुछ भी ड्रॉ करूँगा ना तो वो एक शेप बन जाएगा। देख रहे हो शेप बन गया ही तेरे शेप। मैं से चाहूँ तो उसे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका स्ट्रोक भी ख़त्म कर सकता हूँ। सर पेंटूल से बना है ये? पेंटूल से बना है। पेंटूल बेसिकली ये चीज़ समझो कभी कस्टम शेप बनाना हो या कस्टम सिलेक्शन बनाना हो ठीक है तो हम पेंटूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम विजिटिंग कार्ड में देख लेते क्या क्या था। पहले विजिटिंग कार्ड ख़त्म करते हैं देन आपको आगे की चीज़ें सिखाता हूँ क्या है। एक हमने शेप बनाया है ऐसा, इसकी एक कॉपी बना लेंगे नीचे रख देंगे ठीक है। एडजस्टर से इसे एडजस्ट कर देते हैं राइट। उसके बाद नीचे की लेयर हाइड करते हैं। अब जो नीचे लेयर है उसके कंट्रास्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कलर डबल क्लिक करेंगे जब भी लेयर पर कुछ एडिशनल वर्क करना हो डबल क्लिक कर देना लेयर पे। दिस इज़ अ लेयर स्टाइल प्रॉपर्टी राइट। लेयर स्टाइल प्रॉपर्टी खुल जाएगी और यहाँ से कलर ओवरले, कलर चेंज करने के लिए कलर ओवरले इसी का टोन में जाएंगे और थोड़ा सा डार्कर ले लेंगे राइट। इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देंगे। Yes, कभी कभी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें अगर हमें कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज नहीं होता तो हम क्या दबाते हैं उसको? फिर लेयर पैनल खोलते हैं। हाँ उसका लेयर पैनल खोला फिर। नाउ कलर ओवरले एक ऑप्शन है उसमें बड़ा बड़ा देखो एक बार और बताइए। अच्छा मैं बताता हूँ सब कुछ हटा दिया जाए। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ बताओ। अब मैथ देखो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैंने इतना सारा वर्क कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग वर्क में पहुँच जाऊँ, मैं क्या करूँ? कंट्रोल जेड करते जाऊँ? नहीं फिर क्या करूँ? कुछ हिस्ट्री भी होती है क्या? हाँ कहाँ पे मिलेगी? हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको। इतिहास में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री पैनल होता है यहाँ पे। मुझे चाहिए पैनल की तरह लेयर चाहिए तो मैं कैसे करूँ? विंडोज में जाके हिस्ट्री पैनल। हाँ याद है नवनीत? हाँ टॉप पे जाके सीधा क्लिक कर दूंगा वो आ जाएगा राइट। अरे मेरे शेरो ये नहीं करेंगे। अरे तुम्हें चाहिए पुराने लेयर तो लेयर डिलीट कर दो ना, इतना क्यों बकड़ा क्रिएट करना? नहीं अगर बहुत सारा वो है तब तो यहाँ तो बहुत सारा नहीं है, मैं तो यहाँ पूछ रहा था ना राइट। एक न्यू लेयर, न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल लेंगे नवनीत। इधर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करा एक फर्स्ट रॉक यहाँ से बनाया, इसको कंटिन्यू करा नीचे लेके आएंगे यहाँ पे और एक स्ट्रोक ऐसा बनेगा दूसरा स्ट्रोक कंबाइन करके ठीक है ऐसा कुछ बनेगा। देन इसमें कलर अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कलर देंगे, ओके करेंगे और स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे। ओके अब देख रहे हैं क्या हुआ, एक शेप बन गई कुछ इस टाइप की। अब एक और शेप इसकी कॉपी बना लेंगे, ओल्ड से होल्ड करेंगे एक कॉपी बन जाएगी इसकी ठीक है। यहाँ पे क्या था पाथ को अब हमें इसके इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। बना देते हैं क्या जा रहा है, सिलेक्ट करेंगे पेन टूल को, इसमें एक आता है कन्वर्ट पॉइंट ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट पॉइंट के डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे और इसको मूव कर देंगे इसके ऊपर राइट। इसको ले आएंगे इधर, ओके इस लेयर को ले आएंगे नीचे और इसको कलर थोड़ा कर देंगे डार्क किस तरीके, इस तरीके का ठीक है। दोनों लेयर बन गई हमारे पास, दोनों सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ओके। अब इधर से शेप बनानी है, सेम से सेम करेंगे, पेन टूल लेंगे यहाँ से आएंगे एक यहाँ से ऐसे और फिर एक ऐसे
ऐसे ठीक है, ये भी शेप बन गया, इसको कलर फिर से दे देंगे, डबल क्लिक करेंगे लेयर पैनल पे और कलर यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट करेंगे, शेप में जाएंगे, स्ट्रोक को नन कर देंगे। नवनीत ऐसा समझ नहीं आएगा, ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस रिक्वायर है नवनीत ब्रो। कंट्रोल जे कर देंगे, नाउ कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा ओ ले कर देते हैं इसको ऐसे, राइट ओ ले करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और उसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्क 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 डार्क। ओके नाउ पेंटल्स का भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होता तो बना सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें जान बुझ कई सारी गलतियाँ करी है, ठीक है, इसलिए करिए कि उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पेन टूल से आपने ऐसे बना लिया, फर्स्ट टाइम आप नवनीत यूज़ करोगे ना पेन टूल, तो कुछ ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, खिचड़ी सी बन जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है आप कर नहीं पाओगे, इसका मतलब ये है कि आपको आना स्टार्ट हो गया है। नवनीत बड़ी जल्दी डर जाता है, कह रहा क्यों। देखो आप देखो यहाँ पे ध्यान देखोगे ना, यहाँ से एक शेप मैंने ना गलत ले रखी है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से मैं दिखाऊँ उसको, मैं ब्लैक कर देता हूँ। जब भी हमें किसी चीज़ की सच्चाई जाननी होती है ना तो ब्लैक कर दिया करो, कई सच्चाई मिल जाती है। वो ये है, देख पा रहे हो यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, देख रहे हो, देख रहे परेश का दिख रहा है यहाँ पे मैनेज, राइट, और यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, देखो ऊपर खावड़ है, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, वही चीज़ देखना है। यहाँ देखो कि यहाँ पे इतनी स्पेसिंग थी और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगी, यहाँ पे कम होगी, तो सबसे पहले इसको मैनेज करते हैं। देखो पेन टूल के नीचे आओगे तो फ्री एक हैंडेड पेन टूल है। फ्री हैंडेड का मतलब क्या है, बेसिकली ये फ्री हैंडेड चलेगा, फ्री हैंडेड आपका शेप बना देगा, ठीक है। अगर आपके पास पेन टैब है तो उस शेप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास पेन टैब होता तो मैं क्या करता, मुझे मेरा मेरे हाथ अच्छे चलते तो मैं स्केचिंग आर्ट होता तो मैं ऐसे ही खुद ही अपने हाथ से ड्रॉ कर देता, ठीक है। और आवाज नहीं आ रही परवेश का, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। किसने कहा नहीं आ रही, हाँ वो अलग बात है, समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है। गाइस हाँ नवनीत आवाज आ रही है, हाँ सर, एयरफोन लगा लो तुम। सर कौन सा टूल था सेकंड वाला, दिस इज अ फ्री हैंड फ्री फॉर्म पेन टूल, नाम ही फ्री फॉर्म है तो काम भी फ्री फॉर्म वाले ही है, खुद ही चलेगा, जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है, लीफ विलेज वाला एक लोगो बनाता हूँ, लीफ विलेज वाला लोगो है, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल है के कर्वेचर, बेसिकली ये ऐसा टूल है ना, कुछ भी कर लो ये हमेशा कर्व ही बनाएगा। देखो ये थ्री क्लिक्स पे चलता है, दिखाता हूँ, फर्स्ट क्लिक किया तो कुछ ऐसा पॉइंट लिया, सेकंड क्लिक किया तो कुछ स्ट्रेट पॉइंट लेगा, ठीक है। इसको ड्रैग रैग करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर मैं सेकंड पॉइंट लूँ ना तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिया, उसके बाद थर्ड पॉइंट लोगे तो इसी के अकॉर्डिंग ही, देखो जैसे थर्ड पॉइंट लिया फोर्थ, देख पा रहे हो ये हमेशा कर्व ही रहेगा, कभी भी शार्प नहीं होगा। ये देखो कॉर्नर से हमेशा कर्व है ना, इसे कॉर्नर को आप तोड़ सकते हो, देखो देख रहे हो नवनीत, यस सर। तो ये कभी भी कई बार होता है कर्व स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे बना सकते हो। कई बार पाथ हमें बनाना होता है, जैसे कि मैं बताऊं तो कई बार हम थिंग्स को रिलेट करने के लिए कुछ ऐसा कर्व पैटर्न बनाते हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो हमें दिखाना क्या होता था उसमें कि ये इससे रिलेटेड है, या सर्कल ही बना दो ऐसे, जब थिंग्स को रिलेट करना होता था, जैसे कि मैं भी यहाँ से करके दिखाता हूँ, कई बार हमें जिगजैग पैटर्न्स बनाने होते थे तो वहाँ पे हमें इस टाइप के टूल्स का यूज़ करते थे और इजीली मैनेज कर लेते थे। ना टू में बनाने की कोशिश कर रहा था नंबर टू, बट टू में थोड़ी दिक्कत रहेगी, सब क्लियर करते हैं। टू ऐसे ही होता है क्या, गाइस कोई बताएगा? हाँ सर ऐसे ही, दो ऐसे ही होता है, परवेशी का बताएगी ऐसे ही होता है, आप बनाते हो मैं नहीं बनाती हूँ सर टू। अच्छा आपको टू कैसे होता है? तो प्रॉपर टू होता है। यू मीन दैट दिस इज नॉट प्रॉपर टू, राइट?
ऐसे नहीं कहते ना, नहीं मतलब प्रॉपर टू तो है, आप अलग अलग हैंड राइटिंग होती है सबकी, ये टू अच्छा ज्यादा मतलब नहीं चलो तो बेसिकली ये जो टूल है कब भी चलेगा, कभी भी स्ट्रीट चलना नहीं, और मेरे करियर में ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। अगर आपके यूज में आता है बिल्कुल ले सकते हैं यूज में, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन आई डोंट लाइक इट, क्योंकि पेन टूल से जब वर्क हो ही जाता है, जब मैं पेन टूल से कर्व कर सकता हूँ तो मैं इस टूल का यूज़ क्यों करूँ, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं पेन टूल जल्दी तोड़ के एंकर जल्दी कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए कैलकुलेशन ये वो फलान ढिमकाना, तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ। चलो दूसरा है ऐड और माइनस। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐड और माइनस का यूज़ करेंगे। तो देखो जूम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको, पहले तो दोनों शेप को मैं अलग कर देता हूँ। नाउ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेच दिख रहा है, अब इसको क्या करूंगा, पेन लूंगा और नोड माइनस और प्लस से, जैसे नोड माइनस प्लस लूंगा, जैसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे उसको स्ट्रेच करो। एक सेकंड, मैं कुछ गलत ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब लेयर को सिलेक्ट किया, अब देखो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ, मुझे पता लग रहा है कि ये है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिंगल ऑफ क्लिक में क्या हुआ, इसने अपने आप को शार्प कर लिया, यहाँ से क्रॉस हो रहा था अब ये शार्प हो गया। नाउ मैं चाहता हूँ इसको शिफ्ट करना, शिफ्ट करने के लिए आपको लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे, जैसे क्लिक करोगे एलिमेंट पे, कौन सा शेप है ये, मेरा शेप ये वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, क्लिक करना है, नोड आ जाएगा। देखो नोड दिख रहा है आपको, नोड है ये, नोड दिख रहा है ये, हाँ कहाँ से दिख गया, अभी तो मैंने नोड लाया ही नहीं। ऐड करोगे ना, ये है ये ना नोड, ठीक है। तो इस नोड को मैनेज करेंगे, सबसे पहले इस नोड को मैनेज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इनसाइड ले आते हैं। ओके, इनसाइड लाने से क्या हुआ, जो शार्पनेस थी थोड़ी सी कम होगी, ये देखो अब क्लीन है, हाँ ठीक है। अब ध्यान देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इसको सही करने के लिए क्या करना है, सिंपली कर्व कर्व टूल लेना है, इसमें जाओगे कन्वर्ट पॉइंट टूल, राइट, सिलेक्ट करोगे अपने शेप को, शेप बार बार डिसलेक्ट हो रहा है मेरा, बार बार उसे सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली शेप है मेरी, दिस इज द फर्स्ट शेप, राइट। उसके बाद मैं कर्व एंकर टूल लेता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे आके मैं एक पॉइंट देखता हूँ कहाँ पे मेरा आ रहा है, ये पॉइंट हैंडल आ रहा है, इस हैंडल से मैं चाहूँ तो कर्व कर सकता हूँ, देखो इधर स्ट्रेच करूँगा इधर जाकर कर्व हो जाएगा, इधर करूँगा इधर हो जाएगा, राइट। अगर मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ, देखो ऑल्ट के साथ करूँगा तो एक ही साइड का करेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ करता हूँ देखो क्या होगा, दोनों साइड बैलेंस कर रहा है, देखो इस एग्जाम्पल। अगर कुछ अच्छा देखना है तो कंट्रोल एन करता हूँ और सिंपल एक सर्कल बनाता हूँ, राइट, सर्कल है ये, ठीक है। पिक्सल भी अच्छे लेता हूँ, पिक्सल भी बेकार आ रहे, कंट्रोल एन करूँगा, अच्छे पिक्सल के लिए एक बड़ा साइज होना चाहिए हमारे पास, राइट। तो फिल एंड वीडियोस में जाते हैं और 8 के साइज ले लेता हूँ सबके लिए, आइयो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे रहे थे, ठीक है। अब सर्कल बना लेता हूँ, अब कुछ ज़्यादा शार्प सर्कल बनेगा, राइट, क्योंकि इस बार हमने पिक्सल्स हाई ले लिए। कॉपी करता हूँ, एक सर्कल का कलर थोड़ा सा रेडिश कर देता हूँ जिससे मुझे पता लग जाएगा, ये मसल मैं फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सेलेक्ट करता हूँ पेन टूल का, दिस कन्वर्ट पाथ में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, देखो जैसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे नोड्स आ जाते हैं, देखो एक नोड, दो नोड, तीन नोड और चार नोड। तो आपको पता लग रहा है सर्कल कितने नोड से बनता है, चार नोड से। जिस भी नोड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का हैंडल आता है, देखो हैंडल आ रहा है, इस हैंडल से क्या करते हैं, उसके नोड्स को मैनेज करते हो, उसकी कर्वनेस को मैनेज करते हो। जैसे मैं यस करूंगा, देखो मैनेज हो रहा है। अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, सिंगल क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या करता है, वो उसको शार्प कर देता है, एज इसको कर्व को तोड़ देता है, नोड को खत्म कर देता है, हैंडल्स को, नोड को नहीं हैंडल्स को। नाउ कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा है आपने,
दिया देखा है कभी इस टाइप का? दिया? अरे फ्लेम नहीं होता इसमें, हाँ। फ्लेम लगाता हूँ तब समझोगे तुम। कह रहा एकदम से वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी। दिया ठीक है। अब इसमें मैं एक रेडिश स्टोन डाल देता हूँ। हेलो येलो कह रहे थे राइट। तो अभी मान लो यही है ठीक है, तो इसको हटाओ, फ्लेम को साइड करो, बाद में आग लगाना ठीक है। अभी बेसिकली टूल्स के हेल्प यूज देखते हैं नाउ। जैसे कि अब इसको मैनेज करना है, मान लो कि इस नोड को मुझे चेंज करना है ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल में जाऊँगा, डिलीट ऐड करूंगा, ऐड करने से क्या होगा, एक ऐड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। जैसे आपको पता है सर्कल में कितने एंकर पॉइंट्स थे पहले, एक दो तीन चार, ऐड करा तो हमारे पास एक और एंकर पॉइंट मिल गया जिसके भी टू हैंडल्स है राइट। दो हैंडल दिख रहे हैं फिर से, यस सर। ओके मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर से ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। बेसिकली से क्या कर सकता हूँ मैं, फिर से इसके हैंडल मैनेज कर सकता हूँ ठीक है, यस सर। माइनस से क्या होगा, बेसिकली जो एंकर पॉइंट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे। जैसे माइनस सेलेक्ट किया, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, गया गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, इसे माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ओके नीचे है कन्वर्ट पॉइंट टूल। बेसिकली कन्वर्ट पॉइंट है कर्वनेस एरिया को मैनेज करने के लिए होता है। अरे भैया क्लिक मत कर देना, ये भी उड़ा देता है ठीक है। मतलब जो शार्पनेस होती है, जैसे कि हमने देखा कि हैंडल है यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये हैंडल उड़ा देगा, इसके उड़ा दिया हैंडल इसने ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर आपको मान लो कि इसे कर्वनेस देनी थी, जैसे कि मैं अभी मैनेज कर पा रहा हूँ राइट, थोड़ा सा ऐसे मैनेज होगा, और ऊपर से एक एंकर पॉइंट मैं ऐड करूँगा यहाँ से राइट, और यहाँ से भी मैं मैनेज करूँगा कर्वनेस इसी विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट पॉइंट टूल राइट। थोड़ा सा ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी कुछ ड्रॉप सा लग रहा है राइट, तो ऐसे कुछ फिगर्स बनानी हो या कुछ भी बनाना हो तो इनका टूल्स का हेल्प ले सकता हूँ। ये परफेक्ट तभी होगी इन सब टूल्स पे जब आप अलग अलग टाइप के वर्क प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे राइट। ओके तो बेसिकली आपने ये टूल समझ लिया नवनीत, ये सारे क्लियर है? यस सर। ओके इनमें से मेन इंपॉर्टेंट टूल कौन से लगे आपको? पेन टूल, डिलीट टूल, डिलीट एंकर टूल, हाँ, ऐड एंकर टूल, हाँ, और एक कन्वर्ट पॉइंट टूल, यस। ओके फ्रीडम और कर्वेचर सर, फ्रीडम किसी काम का नहीं, उसको फ्री कर दिया आपने, फ्रीडम दे दिया उसको, ऐसा मत करो, वो भी यूज में आएगा जब उसका प्रॉपर्टी आप यूज कर पाओगे। जैसे कि मैं क्या नॉर्मल पेन टूल पे वर्क करता हूँ, परवेशिका किस पे वर्क करते हो आप नॉर्मल? पेन टूल पे। पेन टूल पे तो हमें पेन टूल फैमिली एयर है, लेकिन जो इन टूलों पे वर्क करता हो उनके लिए वो फैमिली एयर होंगे राइट। जैसे कि इसके पास पेन टैब है, वो पेन टूल नहीं देखेगा, फिर ऐड करेगा, खत्म करेगा राइट। दूसरा है एंकर पॉइंट, क्लियर हो गया। नाउ नीचे आ जाओ, पेन टूल के जस्ट नीचे ही होता है आपका पार्ट्स, पार्ट सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लेट सपोज कि मुझे सेलेक्ट करने से सारे पास सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार पास सेलेक्ट लूँगा और कहीं पे भी इसे मूव कर सकता हूँ, उसके पास को सेलेक्ट करके और सेव भी कर सकता हूँ चैनल के अंदर। इसमें जाऊँगा विंडोज हिज पाथ, पाथ में आया, जैसे मैं सेलेक्ट करूँ, देखो ध्यान देखना, दिख रहा है आपको एक मास्क जैसा? हेलो हेलो, हाँ सर, देखो ये कह रहा हूँ मैं, डाउट है, पूछो पूछो। कह रहा हूँ कि मतलब जितने टूल से ये बताया अपने, पेन टूल, ऐड, ये सब ना, हाँ। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज? एक बार एक्सप्लेन करिए एक बार फिर से। देखो पेन टूल बेसिकली जो होता है आपको कुछ कस्टम शेप्स बनाने के लिए होता है। जब आपको कोई शेप समझ नहीं आता ना कैसे बनेगा, तो पेन टूल की हेल्प से आप वो बड़ी इजीली बना सकते हो ठीक है। जैसे मैंने अभी बना लिया,
दूसरा क्या होता है आपका फ्री हैंडेड टूल होता है, ये बेसिकली फ्री फॉर्म चलता है। और मान लो कुछ छोटा मोटा सिलेक्शन बनाना है, ठीक है, तो वही सिलेक्शन बनाने के लिए, वही शेप बनाने के लिए सब पेन टैब वाले लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन ही बनाना है तो आप चाहो तो इससे पॉलीगन लैस टूल बताया था मैंने, वो भी फ्री हैंडेड चलता है, उससे भी सिलेक्शन बना सकते हो, उससे जल्दी अच्छा वर्क करेगा, राइट। दूसरा क्या होता है इसके बाद होता है कर्वेचर टूल। बेसिकली कर्व चलता है, जब थ्री नोट्स पे चलता है, जब थ्री क्लिक करोगे कर्व बन जाएगा, फिर आगे क्लिक करते जाओगे तो कर्व ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ ज्वाइन कर दिया तो एक कर्व ही फॉर्म हुआ। दिस इज ऑर्गेनिक शेप, राइट, ऑर्गेनिक ही बनेगा, कभी भी ज्योमेट्रिक शेप्स बना ही नहीं सकता। ये ज्योमेट्रिक शेप तब बनेगा जब आप इसे क्या करोगे, नोट्स को डिलीट करो, मतलब हैंडल्स को रिमूव करोगे। हैंडल्स को रिमूव करने के लिए सिंपल होल्ड के साथ क्लिक करोगे तो देखो हैंडल्स रिमूव हो जाएंगे और ये शार्प हो जाएगी शेप, शार्प कॉर्नर्स जो होंगे तो शार्प हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा yes, होता है इसमें ना। दूसरा है ऐड और माइनस। बेसिकली मान लो कि मैंने ये गलत पॉइंट बना दिया इसके अंदर, ठीक है, जो ये शेप का यही स्ट्रक्चर खराब बना दिया, तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा शेप को, इसमें गया सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखो जैसे सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो डिलीट होने लग जाएंगे। देखो ऐड कर रखा है, माइनस करना है, माइनस करूँगा तो ये डिलीट होते जाएंगे। देखो खत्म हो रहा है शेप, खत्म हो गया। अब मान लो आपको याद आया नहीं 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 ये तो सही था, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का सिंपल ये ऐड लोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया हैंडल आ जाएगा, इस हैंडल को ऐसे ऊपर कर दोगे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये नया पॉइंट आपको यहाँ से एक कर्व देना है अंदर की तरफ, सिलेक्ट करोगे और अंदर की तरफ कर्व कर दोगे, क्लियर है। ऐसे सेम माइनस का देख लिया आपने। दूसरा है कर्वेचर टूल। बेसिकली क्या है, कुछ पॉइंट को मान लो कि ये पॉइंट ज़्यादा शार्प हो गया, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट ज़्यादा शार्प हो गया, मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा राउंड हो, थोड़ा सा कर्व हो, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखता हूँ कि इसके हैंडल्स आते हैं, देखो हैंडल्स आ गए और देखो अब पहले कितना शार्प था, राइट, अब कर्व है, स्मूथ है। तो बस कर्वेचर इसी चीज़ को मैनेज करना होता है, हैंडल्स को मैनेज करने के लिए होता है। देखो हैंडल्स को मैनेज कर पा रहा हूँ, मैंने यहाँ से करा तो देखो आधा पोर्शन इधर हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोनों हैंडल्स हो जाएं, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करूँगा और फिर मैं करूँगा, देखो अब दोनों हैंडल्स होल्ड हो रहे हैं। मैं इधर चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर भी चेंज हो रहा है, देखो इधर चेंज किया ऊपर चेंज हो गया। कई बार हमें होता है शेप बनाना होता है इस कर्वेचर वाला, तो हमें हैंडल्स का यूज़ करना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है पार्ट टूल। पार्ट टूल बेसिकली जब किसी भी पर्टिकुलर शेप बनाता है ना उसका एक पाथ बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप बनाया तो यहाँ पे इसका पाथ बन गया, राइट क्लिक करूँगा, देखो मेक सिलेक्शन, एक ही बार में सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, देखो एक सिलेक्शन बन जाएगा पाथ का, देख पा रहे हो, एक सिलेक्शन बन गया पाथ का। ये होता है कि कई बार हम मल्टीपल शेप्स बना रहे होते हैं और हमें सिलेक्ट करना पड़ता है एक ही बार में। मान लो कि मैंने सिंपली पेन टूल से एक सीनरी बनाई, जैसे कि मैं अभी ये सीनरी बनाता हूँ, एक पेन टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से कस्टम शेप्स बना देता हूँ बहुत सारे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन सबको एक ही बार में टारगेट करना, तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने शेप सारे बनाए रखे हैं, सिलेक्शन में गया, पाथ सिलेक्शन में गया, पाथ में ध्यान देखना पाथ में, और मैंने एक ही बार में सबको टारगेट कर लिया। अब मैं इनमें कुछ भी एक्शन करना चाहता हूँ वो मैं एक ही बार में कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, कलर बदलना है मैं एक बार बदल सकता हूँ, बबल इम्पोज करना है मैं एक ही बार में इनको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इनको भी शेडोज देनी है मैं एक ही बार में मैनेज कर सकता हूँ, कलर चेंज करना मैं एक ही बार में मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस तब आ जाते हैं क्योंकि आपके जो सारे पेन टूल के जो शेप्स होते हैं इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर पाथ और शेप दो ऑप्शन है ना, मैंने पाथ पे बनाया तो पाथ में आ गया सारा शेप, क्लियर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो ये भी है, इसके नीचे आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट नाम का है, काम इसके बहुत सारे हैं। जैसे सिलेक्ट करोगे तो एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है, शेप पे सिलेक्ट करोगे हैंडल्स भी आ जाएंगे, मूव भी कर सकते हो, जो भी ये सारे वर्क कर रहे थे ना इस टूल। हमने क्या देखा था, कन्वर्ट पॉइंट टूल जो है यूज में आ रहा था उसका एडवांस वर्जन है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट। कन्वर्ट में क्या होता है, सिर्फ हम इसके कन्वर्ट कर सकते थे हैंडल्स को, बट यहाँ पे आपको फुल एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आप चाहो तो हैंडल्स को ऊपर नीचे, हैंडल्स को छोटा बड़ा, ठीक है, कंट्रोल साथ करोगे तो एक ही साइड का होगा, ऑल साइड करोगे तो ऐसे होगा, कंट्रोल के साथ करोगे दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, राइट। फुल एक्सेस मिलता है आपको यहाँ पे करने के लिए। तो अब देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क कहाँ होगा, जैसे कि मान लो ये शेप खराब हो गई, ठीक है, राइट, और मैं चाहता हूँ कि इसे ख़त्म करना, तो मैं देखो सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैं ऑल्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ,
ना, मैं चाहूँ तो ऐसे मूव कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे एक सेकेंड कंट्रोल के साथ वेट देखो इसमें सिलेक्शन भी बनानी पड़ती है। मैंने सिलेक्शन बनाई, ध्यान देखना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट किया, नोड अभी अनफिल है, ध्यान देखो नोड अभी अनफिल है राइट, लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। जैसे मान लो मुझे ये नोट्स मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये दो फिल हो गए, ऊपर वाला और नीचे वाला फिल हो गया, लेकिन ये वाला फिल नहीं है, ये फिल नहीं है राइट, क्योंकि मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया, मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब देखो क्या है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे हिलाता हूँ तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको फैसिलिटीज किसमें नहीं मिलती थी, कर्व में, कन्वर्ट में, कन्वर्ट कर्व, कन्वर्ट पॉइंट टूल में, हाँ कन्वर्ट पॉइंट टूल में, याद रखो प्रवेशिका, मैं तो कहूंगा कर्व में मिलती है, मैं फिर कहूंगा फ्रीडम में मिलता है, लेकिन आपको क्या कहना, नहीं सर कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल राइट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली ये वो इस पे इतना पावर है कि आप एक बार पूरी पर्टिकुलर, ये पता है यूज कहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ यू होगा, आपका यहाँ पे इतना यूज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कस्टम चीज बना रहे तो यूज हो जाए बहुत बढ़िया। लेकिन जब इलस्ट्रेटर की बात करते, इलस्ट्रेटर टोटली डिपेंड ऑन पाथ, पेन टूल, शेप, लाइन, ठीक है, उसमें यही यही वर्क होगा, आपको एंकर मैनेज करना होगा, पेन टूल मैनेज करना होगा, ठीक है। अब नवनीत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन टूल को मास्टर कर लो, क्योंकि जो अगले जो अगला सॉफ्टवेयर होगा हमारा करीब आफ्टर 15 डेज 15 से 20 दिन बाद हम नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देंगे राइट, उसमें बहुत मास्टर चाहिए आपको पेन टूल का, क्योंकि वहाँ पे पेन टूल में दोबारा सिखाऊंगा नहीं, वहाँ पे कुछ फायदा भी दोबारा पेन टूल पढ़ने का। पर वहाँ पे पेन टूल जब हम यूज करते हैं ना तो अच्छा होता है, जैसे हम यहाँ पे ऑल्ट से करते हैं, कंट्रोल से करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आपको ऑल्ट वगैरह इतना मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वही अप्लाई होती है राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्सल बेस्ड वर्क करना है तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन ज्यादा देते हैं, क्योंकि पिक्सल डिपेंड्स रास्टर, रास्टर पिक्सल, तो भाई बहुत मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ, मैंने तीन पॉइंट सेलेक्ट करे थे, तीनों पॉइंट्स को मैं कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो दो पॉइंट्स हैं अनसेलेक्टेड वो वहीं पे रहेंगे, वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा होल्ड करके, तो अब कहेंगे हाँ भाई चलो जहाँ चलना है। इट्स जस्ट लाइक अ पाथ सिलेक्शन टूल राइट, पाथ सिलेक्शन में भी होता था, पाथ सिलेक्शन में और कुछ नहीं होता, देखो पाथ को सिलेक्ट किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इनके नोट के साथ राइट, बेसिकली बस ये पाथ यहाँ के लिए यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर, राइट क्लिक करूँगा ना तो मैं सिलेक्शन करूँगा, देखो पाथ एक सिलेक्शन हो जाएगा, इन सब का नहीं होगा, इन सब का नहीं होगा, बस उसी का सिलेक्ट होगा जिसका मैंने पाथ सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। जैसे पाथ सिलेक्शन से मैंने इसका सिलेक्ट किया राइट, और मैंने राइट क्लिक किया और मैं सिलेक्शन किया, तो अब इसी का सिलेक्शन बनाएगा, इसका नहीं बनाएगा, इसका नहीं बनाएगा, ना इसका बनाएगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था याद है, पहले हमने इसका सिलेक्शन लिया था तो सबका सिलेक्शन बना देता था ये, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्क कहाँ कब आएगा, जब आप मल्टीपल आर्टबोर्ड में वर्क करोगे ना, जब आपको एक ही शेप को टारगेट करना होगा पूरे आर्टबोर्ड में, पूरे वर्क स्पेस में, तो ये वेरी बहुत इजीली आपको बता देगा कैसे टारगेट करना है। नाउ शेप है मेरे पास, दोनों क्लियर है, पेन टूल क्लियर है, नवनीत यस सर, पेन टूल चलाना है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे चलाना है। सिंपल एक इमेज डाउनलोड करोगे, परवेशी का आपके लिए भी है प्रैक्टिस मोड, ठीक है। सबसे पहले ईजी से, ईजी कैसे स्टार्ट करोगे, इसी से, दिस इज सर्कल, सर्कल छोड़ो, दिस इज अ रेक्टेंगल राइट, पेन टूल लेना है और परफेक्शन करनी है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल बना लेना और यहाँ से लॉक कर देना, जिससे कुछ भी टास्क करोगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा राइट। देन यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे आओगे, पहले क्या हो रहा था, लॉक करे बिना तो क्या आ रहा था, एक ऑप्शन आ रहा था, जैसे मैं क्लिक करता था तो उसी पे पाथ बन रहा था, लेकिन जब लॉक कर दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। मैंने शेप बनाया, ध्यान से ध्यान देना, एक रेक्टेंगल बनाया, आई वांट टू चेंज, एक कलर चेंज कर देता हूँ, रेड 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 नहीं करूँगा, आँखों में चुभेगा ज़्यादा, ओके नाउ लॉक कर दूंगा, जूम करूँगा, अब मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट करता हूँ, पेन टूल लूँगा, एक पॉइंट यहाँ दूंगा, दूसरा पॉइंट यहाँ दूंगा, बिल्कुल उसकी बाउंड्रीज, जो भी शेप बनाओगे ना सबकी बाउंड्रीज पे पेन टूल चलाना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा चलाओगे पेन टूल उतना इस पे आप इजीली परफेक्शन ले लोगे। नाउ मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, क्या प्रॉपर रेक्टेंगल होगा, क्या लगता है परवेशी का? हाँ देखते हैं, नहीं ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, हाँ राइट,
परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन इतना परफेक्ट कर लो कि एक साइड का नहीं दिख रहा, इस साइड का दिख रहा नहीं दिख रहा राइट तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे परफेक्ट करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाओगे। चाहो तो इसको मैं अच्छे से और परफेक्ट बना सकता और जूम करके राइट, लेकिन जूम करने का इतना मतलब नहीं होता, आपको वर्क आना चाहिए। नाउ मैंने इस शेप का बनाया, अब मैं लिप्स का बनाऊंगा, लिप्स के लिए क्या करूंगा, पेन टूल लूंगा फिर से, ठीक है, चार एंकर पॉइंट्स होते थे मैंने रीड किया था याद है कुछ, चार एंकर पॉइंट्स होते हैं उसके, मैं वही चार एंकर पॉइंट्स भी यहाँ पे वर्क करूंगा, सेंटर में इसके रख दूंगा और इधर भी एक सेंटर में ले आऊंगा, मैं चोरी करूंगा यहाँ पे, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और ऐसे एक कर्व दे दूंगा, देन एक यहाँ क्लिक करूंगा, एक यहाँ भी क्लिक कर देता हूँ, और एक यहाँ, ठीक है, कुछ इस टाइप का बना राइट। अब मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करने के लिए कर्व से मैनेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल्स को लूँगा, हैंडल्स को थोड़ा नीचे कर दूंगा, नाउ इस हैंडल पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा और हैंडल्स को ऐसे मैनेज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से हैंडल्स को मैनेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है राइट। देखो हमने बना लिया एक सर्कल ही बना लिया, न्यू लेयर पे हर बार प्रीव्यू लो, न्यू लेयर पे लेना है और कंट्रोल एंटर करके, नॉट प्रीटी गुड बट इतना भी था कि बन गया, ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है, शेप पे वर्क करोगे। नाउ प्रवेशिका आपके लिए बहुत इजी होगा शेप पे वर्क करना, आपको करना है सीधा इमेज पे, प्रोडक्ट इमेज, प्रिंटिंग में जाओगे प्रोडक्ट में, मीडिया में जाओगे जहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी होगी, वहाँ पे आपको सिलेक्शन के साथ वर्क करना पड़ेगा राइट। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, हेयर प्रोडक्ट राइट, अब इसका सिलेक्शन कैसे बनाना है, इसका बाउंड्रीज को कैसे ट्रेस करनी है राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिस्पी पैटर्न है क्या, यहाँ पे भी कैसे करोगे, ये सब सिलेक्शन पे वर्क करो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस सब पे सिलेक्शन पे वर्क होगी, जहाँ मल्टीपल इमेज है तो वहाँ पे सिलेक्शन ऐसे ऐसे बनाते हुए जानी है, वहाँ पे आपको माइंडसेट ये याद रखना पड़ेगा, मैं प्रोडक्ट को सिलेक्शन में लेना, बाकी सबको अनसिलेक्टेड करना है राइट। इस टाइम पे दिमाग लगेगा, कभी इस टाइप की प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन करते हुए चले जाना है, फिर उसके बाद नीचे तक लाना है, यहाँ से काटते हुए जाना है, इसमें वर्क करोगे तो आपको पता लगेगा ऐसे एक सिलेक्शन निकालनी है, फिर उसकी कॉपीज बनानी है, ठीक है। सिलेक्शन टूल का यहाँ पे बहुत यूज़ हो जाएगा, और छोटी मोटी मछली छोटी मोटी चीज़ें से मत करो ट्राई, सीधा ही हैवी चीज़, हैवी सीधा ही बड़ी चीज़ पकड़ो सीधा। अब मैं यहाँ पे से आपको पता है पेन टूल मुझे आता है, ठीक है, आपको मतलब अगर आपको पेन टूल आता है तो परफेक्ट करने के लिए क्या हैवी चीज़ पकड़ो, सीधा ही हैवी टास्क लो। अब मैं यहाँ पेन टूल स्टार्ट करूँगा, बनाऊँगा, ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऊपर नीचे थकूँगा भी, बोर भी होऊंगा, लेकिन बोरियत को दूर करके कुछ सीखने का पैशन रखना राइट, देन ड्रॉ करते जाते जाना, और एक जब सिलेक्शन बन जाए तब जूम आउट करके एक बार सांस लेके देखना, वाह मैं सिलेक्शन बनाया, मैंने अपना टाइम दिया यहाँ पे राइट। उसमें फिर फैदर ढालना, फैदर से वैल्यू देखना कि मैं फैदर कितने मैनेज कर सकती हूँ राइट। ओके ओके गाइस, तो ये थी क्लास, तो इस क्लास में बेसिकली हमने पेंटूल के बारे में सीखा। इस क्लास में क्या था, पेंटूल एडवांस होता है लेकिन पता है क्या नवनीत, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोशिश करो कि एक माउस कीबोर्ड का जुगाड़ कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो मैं एक ऑनलाइन दिखा देता हूँ, पेन टूल प्रैक्टिस ऑनलाइन, ठीक है, एक हाँ ये रहा वेजर गेम राइट, एक ये वेबसाइट है, बहुत प्यारी वेबसाइट है। तो नवनीत माउस का इंतजाम कर लो, फोन में माउस कनेक्ट हो जाता है आजकल के, ठीक है, ऐसे क्लिक करना है नवनीत, यहाँ पे नोट पहला क्लिक करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है, तीसरा क्लिक यहाँ पे कर देना, बन गया, पहला क्लिक यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है, जैसे बता रहा है ना वैसे क्लिक करना है, याद रखना जो ये बाउंड्रीज है इसी के अंदर क्लिक करना है, ठीक है, बहुत प्यारी गेम है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे देगा आपको, ठीक है। नाउ पहला क्लिक यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे ऐसे कुछ करना है, अरे मेरा ये कहाँ जा रहा है सिलेक्शन, ठीक है, और एक ऐसे क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक कर देना है, और ऐसे क्लिक करके कंट्रोल जेड इसमें कनेक्ट करना पड़ता है हमेशा, अरे इसका नोट चला गया कहीं गायब हो गया, तो हमेशा याद रखना
जो पॉइंट बनाने के जो आइडियाज देता है आपको एक बताएगा कि कैसे पॉइंट्स बनाना है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करते हुए जाना है, ठीक है। जितना इसके पाथ के अंदर बनाओगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे इसमें, ठीक है। बना दिया तो ख़त्म। अब देखो अभी बता रहे कि ऐसे बनाओ, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद एंगल तोड़ा ऐसे ऐसे, अब बनेगा नहीं यहाँ पर सबसे पहले मुझे, अरे यार इसमें दिक्कत एक याद रखना, इसमें एंकर पॉइंट टूटते नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बताएगा वैसे ही बनाना है आपको। अरे गेम बड़ी बेकार सी हो रही है, क्लियर हो जाए। जा ही नहीं रहा, ये दिमाग खराब कर रहा है, ये देखो जा यार। नाउ कंप्लीट हो गया मेरे ड्राइंग, देख रहे हो थोड़ा दिमाग खराब कर रहा है लेकिन कर दिया। यहाँ बड़ा मजा आता है जब कार की ड्राइंग बनाते हो ना, टक 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 जल्दी जल्दी बनता है मेरा डिजाइन ऐसे, ठीक है। वो करोगे प्रैक्टिस तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर टाइम दो तो नवनीत, ये फ़ोन में भी चल जाएगा, मैं दिखाता हूँ फ़ोन में कैसे लेगा, ठीक है। वेबसाइट को मैं फिर से ओपन करता हूँ, इस पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ फ़ोन में भी चल जाती है। जब फ़ोन में ओपन करोगे ना कुछ ऐसे वेबसाइट होगी, माउस लगा दोगे अपने USB पोर्ट में, ठीक है, यस, तो इससे कनेक्ट करके यूज़ करो, बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो परवेशी का प्रोडक्ट पर प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल के बाद, अभी हमारे पास कौन सा टूल बचता है, मैं पेन टूल पढ़ लिया, पाथ पढ़ लिया, और हाँ अब कलर फिलिंग का जो पढ़ रहे थे हम, ग्रेडियंट और सबको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नए नए असाइनमेंट से वर्क करेंगे। कल की क्लास मान लो कि जितने भी हमने टूल्स पढ़े हैं ना, दिस आर हेल्पिंग टूल्स, ये हेल्पिंग टूल्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन जो फिनिशिंग वर्क और जो रिटचिंग टूल है, जो एडवांस टूल है, जिसमें नॉलेज चाहिए होता है कलर वगैरह की, वो टूल हम अगले मंडे से स्टार्ट होगी उनकी क्लासेस। उसमें हम देखेंगे यार कैसे एडवांस में वर्क करना है, कैसे हमें थिंकिंग प्रोसेस लेनी है एक डिज़ाइन बनाने से पहले, ठीक है। तो अभी ये सब बेसिक ही टूल थे, ये मैं समझना कि बहुत सारे टूल्स पढ़ लिए, ये बेसिक ही है। पेन टूल में थोड़ा सा एडवांस रहा, और थोड़ा सा ये हमने क्लोडिंग टूल एडवांस पढ़ा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रेडी हो जाना, असाइनमेंट लेंगे सारा कुछ, इसमें टेस्ट लूँगा, जिसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मैं बना के लाऊँगा, उसमें से आपको माइंड स्ट्रोमिंग करनी पड़ेगी कैसे बनाना है, ठीक है। कुछ आप आइडियाज़ बताओगे कि मैं अगर ये डिज़ाइन बनाना होता तो मैं कैसे बनाती या बनाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, ठीक, ओके बाय 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 नवनीत, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, ओके।